नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम जानेंगे पर्सनालिटी के बारे में, स्वभाव के बारे में, गुण के बारे में। आपका माथा क्या बताता है आपके बारे में, इसके बारे में आज हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, जानेंगे पूरे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। जाइएगा नहीं दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका माथा आपके बारे में क्या बताता है? क्या आपका माथा बड़ा है या छोटा या घुमावदार है? आपके माथे यानी फोरहेड के आकार से आज हम जानेंगे आपके स्वभाव के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कि कैसा है आपका स्वभाव। जिस तरह आपकी आंखें, आपका नाक, आपका मुंह, आपके चेहरे का आकार या उंगली की लंबाई आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उसी तरह आपका माथा यानी आपका फोरहेड भी आपके वास्तविक स्वभाव और व्यवहार के बारे में, आपके लक्षणों के बारे में बहुत कुछ बताता है। फोरहेड के आधार पर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े माथे की। अगर आपका माथा बड़ा है तो आप मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्कर हैं। ऐसे व्यक्ति संतुलन में रहना बेहद पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत माहिर होते हैं, साथ ही साथ मल्टी टास्किंग में अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान ही मल्टी टैलेंटेड होती है। ऐसे व्यक्ति विश्लेषणात्मक, बुद्धिमान और सहज होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं, बहुत जल्द अपनी मंजिल पा लेते हैं, किसी भी प्रयास में सफल हो जाते हैं, या ऐसे माने तो एक छोटे से प्रयास में ही ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द सफल हो जाते हैं। अपने लक्ष्य को तय करने के साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने और अप्रत्याशित घटनाओं को संभालने में भी सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जीवन में लीडर बनना बहुत पसंद करते हैं। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति अन्वेषक और खुले विचारों के होते हैं। आमतौर पर रॉयल्टी, सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये बड़े माथे वाले लोग ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे घुमावदार माथे की। जी हाँ दोस्तों, जिसका माथा घुमावदार है तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार व्यक्तित्व के धनी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सहज होते हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्ती करने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे दोस्त होते हैं और बुद्धि के भी बहुत तेज होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास में करिश्माई व्यक्तित्व होता है, जो खुद के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास एक उज्जवल सकारात्मक आभा होती है। ऐसे व्यक्ति गर्मजोशी और मित्रता का परिचय देने में पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ही खुलकर सामने आने वाले होते हैं और अपनी मित्रता बेखूबी निभाते हैं। जो कहते हैं उसमें तेज तर्रार होने के साथ साथ शालीन भी होते हैं, और जिस बात की ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी अपने लक्ष्यों को या सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करने में काफी मददगार साबित होते हैं। कठिनाइयों से, मुश्किलों से हारते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। परिस्थितियों से डरने की बजाय डटकर मुकाबला करते हैं और संभालने में बहुत शांत होते हैं। बहुत जल्द अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी बहुत जल्द मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटे माथे की या संकीर्ण माथे की। जी हाँ दोस्तों, जिनका माथा छोटा होता है वे दुर्लभ व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, सामाजिक होते हैं, खुलकर बोलने वाले होते हैं। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति समाज सेवी होते हैं। दूसरों के दिए हुए तोहफे की बजाय अपने खुद की लगन और मेहनत से अपना खुद का कारोबार या खुद की कंपनी का सबसे अधिक आनंद लेना पसंद करते हैं। तर्क या तथ्य से अधिक ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को भी दुखी नहीं करते हैं। छोटे माथे वाले व्यक्ति एक अच्छे श्रोता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि खुद को कभी कभार दुखी महसूस करते हैं तो खुद को रचनात्मकता की ओर मोड़ लेते हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील थोड़े अधिक होते हैं, लेकिन दयालु और मददगार स्वभाव के कारण ये अत्यधिक आहत भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि
आपको अपने वास्तविक व्यक्तित्व के लिए बेहद पसंद किया जाता है। किसी के किए कराए कार्यों या तोहफे की बजाय खुद के दिमाग से काम लेना बहुत पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। जो सही लगता है वही कार्य करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर जीना पसंद करते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र भी साबित होते हैं, मित्रता बखूबी निभाते हैं। इसके साथ साथ ईमानदार और संघर्षशील भी होते हैं। किसी कार्य को अगर करते हैं तो उसमें लंबे समय तक टिके रहने की संभावना भी इनमें होती है और किसी से भी धोखा नहीं करते हैं। बेहद ही शांत स्वभाव के, सहनशील और संघर्षशील भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी इन्हें बहुत जल्द मिल जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आपने माथे के आकार के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।